Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You are watching Counting Kilometers. If this is your first time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can do that by simply clicking the subscribe button and the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos. And to keep in touch with us in real time, you can follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right down here. Abhi, main aapko thoda confuse karne wala hu. Right now, we are here in Somoriri, village Karzok. Aur abhi hum nikle hai लेक पर जाने के लिए, लेक देखने के लिए. लेकिन अगर आपको लेक देखना है तो आपको अभी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि लेक आपको देखने के लिए पिछले ब्लॉग में जाना पड़ेगा. सो इफ़ यू हैव मिस्ड वॉचिंग द ब्यूटी ऑफ सोमोरीरी, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, गो एंड वॉच द एंटायर सीरीज इज लद्दाख 2019. इट्स बीन वेरी एक्साइटिंग एंड दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस राइड. इससे पहले बहुत से प्लेसेस कवर किए हैं, पूरी सीरीज जाके देखिए. राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लेक और हम मिलेंगे लेक से वापस आने के बाद व्हेन वी लीव टूवर्ड्स सरचू. आज हमारा जर्नी चालू होने वाला है टूवर्ड्स मनाली. मैं दो ब्लॉक्स पहले मैंने बताया था, ले मनाली हाईवे पे स्नोफॉल चालू हो चुका है. तो ये सोमोरीरी से मनाली तक का जर्नी भी एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और एडवेंचरस होने वाला है. छोड़ के जाइएगा मत. Check guys, it's 9:25 AM on 26th of September 2019 और हम कारजोक विलेज से वापस निकल चुके हैं. अभी ITBP के पोस्ट पे एंट्री करानी है, मतलब एग्जिट करानी है, एंड देन विल बी ऑफ टूवर्ड्स आर रिटर्न जर्नी लेह मनाली हाईवे पे लगने के लिए. बट देयर इज अ लॉट मोर टू सी ऑन द वे. चलो अभी ये वाइब्रेशन मोड ऑन हो चुका है 10 किलोमीटर के लिए. खड़ 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 खड़. 2016 से यार ऐसा ही है, उससे पहले से भी वैसा ही होगा. एंड द स्ट्रेंज पार्ट इज कारजोक से आगे वो व्यू पॉइंट के लिए जाने वाला जो रास्ता है वो टारमैक बनाया हुआ है. यहाँ से जो लेक के दूसरी तरफ जाने वाला रास्ता है वो बनाया हुआ है. बस इसी रास्ते से कोई दुश्मनी है बीआरओ को, क्या पता. Finally, the 10 kilometers patch is over, and it took exactly 45 minutes for the 10 kilometers. Okay, I know you might be wondering, अभी तो खत्म नहीं हुआ है, फिर मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मुझे पता है कि इस टर्न के बाद टार रोड आएगा. There you go. चलो भागो भागो भागो, अब भागो जल्दी. जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस. इसमें एक ही होता है, आपको बार बार वही चीज क्या दिखा है. अभी ये देखो क्या कर सो, पिछले व्लॉग में देखा था आपने, फिर इस व्लॉग में क्या दिखाना. एनीवेज, अच्छी बात यह है कि सिर्फ अगले 20 किलोमीटर तक यही रूट है, उसके बाद अपना रूट चेंज होने वाला है. और रूट चेंज होने के बाद बहुत से साइट सीइंग प्लेसेस भी आने वाले हैं. फर्स्ट विल बी गोइंग टू पुगा हॉट स्प्रिंग्स, देन द लेक सोकार, उसके बाद आएगा मूर प्लेन्स, then we'll go to Gata Loops. Wow, the list is long. और ये सब आज ही आने वाला है, इसी vlog में आने वाला है. End तक देखो भाई, end तक. That's the Sumdo village. The straight road will go to Leh. But हम अब ले गए एक left turn. और यहाँ से इस journey का आखिरी adventure चालू हो जाएगा, which is the Leh Manali highway. Though it is still 60 odd kilometers away, उसके बीच में खतरनाक वाला ऑफ रोड है 40 किलोमीटर का. पहले तो अभी पेट्रोल ढूंढना है, यहाँ पे सुमडो में पेट्रोल मिलता है करके बोला था, टैंक्स फिलअप करके लेने.
पेट्रोल मिल गया है यहाँ पे खुद के लिए भी और बाइक्स के लिए भी. सेम पैटर्न सेम रेट. दिखाऊं क्या? ये देखो खंबे के हिसाब से पेट्रोल मिलता है इधर. कौन से ब्रांड है? डबल क्रॉस. अपने लिए चाय एक ही ब्रांड है. रिफ्रेश्ड रेडी टू लीव. अभी टैंक फुल हो गया है और जो स्पेयर कैरी किया था अंदर से 7.5 liters वो अभी तक वैसा ही है. द फ्यूल इशू इज सेट. वेदर इशू एज ऑफ नाउ लुक सेट. ऐसा ही अगर क्लियर वेदर रहा तो आराम से निकल जाएंगे. दिस एंटायर प्लेन्स ऑन माई लेफ्ट दिस इज पुगा हॉट स्प्रिंग्स. ऑल द रिवुलेट्स दैट यू सी जो भी पानी यहाँ पे बह रहा है ना इट विल बी हॉट इफ यू गो इन टू टच. दिस इज पुगा विलेज. अभी सेप्टेम्बर में पानी तो बहुत कम है यहाँ पे. लास्ट टाइम व्हेन आई केम इन जुलाई आई कुड लिटरली सी लाइक द रिवर इज फ्लोइंग एंड इट्स बॉइलिंग रैंडमली समवेयर. इट वॉज अ ग्रेट साइट. देयर यू गो एग्जैक्टली 5 kilometers आफ्टर पुगा द टारमैक एंड्स एंड यू आर बैक इन टू द लैंड ऑफ वाइब्रेशंस. Now this will last for another 35-40 kilometers till Sokar Lake. They are trying to be smart. Vibrations avoid kar rahe hain lekin usme loose sand milegi. Yes, back on the road. Aana hi pada. Another high altitude pass on this ride. This is the top of Pologunkala and it is named after this peak over here. This is Pologunka peak. This is the first glimpse of Sokar Lake and it is already half frozen. मतलब इस तरफ ठंड है. This is a huge lake. See, half नहीं, it's almost already frozen. Wow. भी जाएंगे उसके नजदीक जाना है. पूरा पैरेलल जाना है उसके. सच अ ब्यूटीफुल साइट. दिस इज एक्चुअली यू कैन कॉल इट अ पार्ट ऑफ मूर प्लेन्स नाउ बिकॉज मूर प्लेन्स आर फार एंड वाइड स्प्रेड एंड देयर यू फाइनली सी टारमैक वंस अगेन. कितना किलोमीटर हुआ? 26 kilometers. So it was 26 kilometers of off-road. And look at the lake beside me. Kya sundar hai ye. Abhi hum yahan se jayenge takriban aur 5-6 kilometer aur fir connect honge Leh Manali highway se aur fir U-turn leke wapas jana hai towards Manali. अरे किती दूर सोडतो बाबा. ऐकलं माझं. दॅट्स लेह मनाली हायवे रनिंग एक्झॅक्टली पॅरलल टू अस. यू कॅन सी द कार देअर. पीछे एक शॉर्टकट था नहीं ले पाए. अभी
10 किलोमीटर जाना है इस रूट से और फिर कनेक्ट होके वापस आना है पूरा डिस्टेंस 20 किलोमीटर फुकट्टा फेरा। फाइनली वी आर हियर एट देबरिंग, दिस इज द कनेक्शन पॉइंट, ये लेह मनाली हाईवे एंड नाउ विल बी टेकिंग अ यू टर्न एंड हेडिंग टूवर्ड्स मनाली फ्रॉम हियर। वेलकम टू लेह मनाली हाईवे, वी आर राइडिंग इन मूर प्लेन्स नाउ। 40 किलोमीटर्स राइट इन दिस प्लेन्स, जस्ट कीप एंजॉइंग। माइंड यू वी आर राइट नाउ एट अ अल्टीट्यूड ऑफ 16,000 फीट अबव सी लेवल, 16,000 फीट एंड आई एम राइडिंग एट 90 किलोमीटर्स एन आवर एंड आई कैन इवन टच 100, लेट्स सी। Yes, this is where 400cc FI works. Amazing. समंदर से 16,000 फीट की ऊंचाई पर अभी एक एकदम हटके वाला शॉट दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा एंजॉय करते हैं। Planes are endless. We've done 25 kilometers from Debring, और ये देखो अभी तक वैसे का वैसा ही है पूरा। Last 40 kilometers in 28 minutes. Expressway, Himalayan Expressway है ये तो। Himalayan Expressway अलग है, चंडीगढ़ शिमला रूट को वो नाम दिया है। बट दिस बिहाइंड मी इज द मूर प्लेन्स, दुनिया का सबसे ऊंचा या सेकंड सबसे ऊंचा पता नहीं प्लेट्यू है ये। और अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ ना वो प्लेस मूर प्लेन्स से भी ज़्यादा यूनिक है। जस्ट लुक एट दिस, सच अ ब्यूटिफुल वैली, क्या कहेंगे आप इसको। ये है हिमालय की यूनिक ब्यूटी, बस देखते रहो चाहे जितनी देर देखते रहो। क्या कहना है भाई लोग, यहीं से नीचे उतर जाए, निकलने का तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से। एनीवेज चलो, फिर 4 किलोमीटर बाद रुकना ही है, पांग में लंच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। Guys, we have reached Pang. The time is 2:30 in the noon right now. This place, Pang, is on Leh Manali Highway at an altitude of 15,280 feet, as it is written over there. और ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट खाने का ठिकाना, जनता रेस्टोरेंट। This is the fourth time I'm having my lunch here. Fourth time in 4 years. और अभी अभी यहाँ पे एक ऐसी घटना भी घटी है
जो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। वो व्लॉग में नहीं होगी लेकिन हमारे इंस्टा हैंडल पे स्टोरी हाईलाइट में होंगी, स्टोरी हाईलाइट में हमेशा रहेगी। जस्ट गो टू काउंटिंग के एम एस ऑन इंस्टाग्राम, द हैंडल इज हियर, गो एंड चेक आउट द स्टोरी हाईलाइट नेम्ड एज पांग, देखो ज़रूर पता चलेगा। लद्दाख की थुप्पा और चाउमीन, इससे अच्छा कुछ लंच हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी थोड़ा टेंशन बढ़ने लगा है, द रीज़न लुक एट दिस, हमें जाना है इस तरफ और पूरे काले बादल छा चुके हैं। सरचू तक भी पहुंचना है तो दो पासेस करने हैं, अभी 70 किलोमीटर्स मोर। दीदी स्नो नहीं लगेगा ना, देखो उधर, पता नहीं टेंशन दे रही है दीदी। चलो दीदी बाय। गाइस एक रिक्वेस्ट है, कभी भी अगर आप इस लेह मनाली हाईवे पे आते हो ना तो पांग में यहाँ पे दीदी के पास ज़रूर रुकना और उन्हें हमारी तरफ से थैंक्स ज़रूर बोल देना। इट वॉज सच अ टचिंग मोमेंट। और अब ये जनाब क्या करेंगे पता नहीं, पता चलेगा जैसे ही आगे बढ़ेंगे। पांग से सरचू का ये स्ट्रेच मुझे बहुत पसंद है, नॉट बिकॉज ऑफ गाटा लूप्स एंड ऑल बट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ फॉर्मेशंस। नेचुरल फॉर्मेशंस इतने अलग अलग देखने मिलते हैं ना यहाँ पे। आगे आगे देखते जाओ, सी दिस एंड नाउ I'll show you the gate to heavens. पता है कहाँ है? Just turn left. See this. ये पहली बार है कि ये वाला स्ट्रेच में टारमैक पे गाड़ी चला रहा हूँ। हमेशा यहाँ पे ऑफ रोड रहता है। पांग से निकल के सरचू तक, मतलब गाटालूप के टॉप तक एटलीस्ट टारमैक कभी मिला नहीं था, पहली बार मिला। द फ्रोजन वाटरफॉल्स ओवर देयर, ठंड चालू होने की निशानी। दिस इज अमेजिंग यार, हैट्स ऑफ टू बीआरओ, क्या रोड बनाया इधर। 14 किलोमीटर्स वी हैव डन सिंस पांग और 14 किलोमीटर में एक इतना सा पॉटहोल भी नहीं मिला है। दिस इज ऑल थैंक्स टू बीआरओ, आधे घंटे से भी कम समय में लाचुंगला के टॉप तक पहुंच गए बिकॉज इट इज All tarmacked, silky smooth route. This is the top of Lachungla. First pass on the Leh Manali Highway for us. अब आपको Leh Manali Highway का मजा दिखाता हूँ। ये हमने Lachungla उतरना चालू किया, That's the whiskey nala. और वो जो सामने रास्ता दिख रहा है वो नाकीला की चढ़ाई, मतलब देयर इज नो रेस्पाइट। एक पास उतरो सामने की पहाड़ में, दूसरा पास चढ़ो। ये था 16,600 फुट, वो भी उतना ही शायद रहेगा, जाके देखेंगे अभी। वी आर ऑलमोस्ट डाउन टू द बेस ऑफ लाचुंगला एंड ऑल्सो द बेस ऑफ नाकीला ऑफ कोर्स। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड एज विस्की नाला। अभी इसको विस्की नाला क्यों बोलते हैं पता नहीं। राइट नाउ इट्स टोटली ड्राई बट यहाँ पे एक अच्छा खासा वाटर क्रॉसिंग होता है और इस स्ट्रीम को विस्की नाला नाम दिया हुआ है। दिस वाटर क्रॉसिंग आई एम टॉकिंग अबाउट।
बस इसको क्रॉस करो और दूसरे पास की चढ़ाई चालू। Within 30 minutes after the first one, we are here at the top of the second one. That's how good the roads are right now. We are really blessed. That is 15,547 feet. Pang to Sarchu, jo 74 kilometers ka distance hai, usko karne mein मिनिमम 3 घंटे लगते थे, ऑन एन एवरेज 4 घंटे। और अभी फिलहाल जो रोड कंडीशन है, हम लोग 1 घंटे में 40 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी 30 किलोमीटर बाकी है। सो 2 घंटे के अंदर अंदर बांग से सरचू कवर हो जाएगा। आफ्टर नाकिला टॉप दिस इज द व्यू पॉइंट। यहाँ से गाटा लूप्स चालू होते हैं। इट्स अ सीरीज ऑफ 21 हेयरपिन बेंड्स। नाउ वील बी डिसेंडिंग थ्रू देम। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस, बट देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस प्लेस। ऐसा कहा जाता है कि देयर वॉज अ ट्रक जिसमें ड्राइवर और क्लीनर दो लोग थे, दोनों को यहाँ से सरचू से ले जाना था कुछ सप्लाईज, इमरजेंसी सप्लाईज लेके, ओके। और यहाँ पे पहुँच के ट्रक ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद दे हैड नो ऑप्शन बट टू गो टू सरचू, ओके। बट क्लीनर जो था वो बहुत बीमार था, तो क्लीनर यहीं पे रुक गया, ट्रक में ही रुक गया। ड्राइवर नीचे चला गया। इन द मीन टाइम मौसम बदल गया, स्नोफॉल हुआ, रोड क्लोज हो गया। क्लीनर जो है यहाँ पे बिना पानी के मर गया ट्रक में, ओके। और 3-4 महीने बाद जब वो ड्राइवर और लोकल्स यहाँ पे आए वापस, तब उनको ये सब पता चला। तब से ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे वो जो क्लीनर है लोगों को गाड़ियाँ रोक के पानी मांगता है पीने के लिए। तो जिनको भी ये कहानी पता है ना, वो लोग यहाँ पे पानी की भरी हुई बॉटल छोड़ते हैं। इफ़ यू सी ऑल द बॉटल्स आर फिल्ड, देयर इज नो एम्प्टी बॉटल। और अगर और नजदीक से देखना है तो अभी उसका है कि किसका है पता नहीं, वो जो बना हुआ है ना उसके अंदर एक ह्यूमन स्कल है रखा हुआ। सच अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। दिस इज सराप रिवर, उसका स्पेलिंग है TSARAP। पता नहीं कैसे बोला जाता है, सराप आसान है। Anyways, almost 14 or 15 of the 21 bends are done. 5 or 6 more to go. And within those 5-6 bends, we'll be down at the river level. Have ended, and now this 20 odd kilometers of plain drive till we reach Sarchu. 23 kilometers to be exact. The time right now is 4:55 in the evening. मतलब 5:30 बजे तक सरचू पहुंच जाएंगे। नदी के उस तरफ से 5 किलोमीटर गए, ब्रिज क्रॉस किया, अभी नदी के इस तरफ से 5 किलोमीटर वापस। दैट्स हाउ दे इंक्रीज द डिस्टेंस।
सरचू गांव सामने दिखता है लेकिन 18 किलोमीटर है, कैसे? ऐसे। एंड वी हैव रीच सरचू, दिस इज द विलेज वी आर रुक के, मोस्ट प्रोबेबली तो यही रुकेंगे आज रात को। द टाइम राइट नाउ इज 5:30 एग्जैक्ट। सो गाइस एज यू ऑल नो 5:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे सरचू में, एंड वी डिसाइडेड टू टेक अ हॉल्ट ओवर हियर। कल सुबह मनाली निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज हम जहाँ रहने वाले हैं ये है आज का हमारा महल, लद्दाख ढाबा नाम है इसका। सर आपका नाम? लुबजंग सर। लुबजंग, सरचू का जो कश्मीर वाला चेक पोस्ट है ना, कश्मीर साइड वाला, उससे पहले ही है ये प्लेस। अभी यहाँ पे रात को रुकेंगे, ठंड अंदर नहीं लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मस्त ये बना हुआ है, मजा आएगा आज कुछ अलग एक्सपीरियंस। ये देखो अलग एक्सपीरियंस, चिकन सूप, चिकन डिलाइट सूप। नहीं वो घास फूस वाला हम इंक्लूड नहीं करते ब्लॉग में। अभी पहले गरम गरम सूप पीना है, बाद में मिलते हैं।